बात महासंग्राम 2024 की कर लेते हैं। दरअसल राजस्थान में कल दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो प्रतिशत वोटिंग का निकल कर आया है वो 64.07। बड़ी बात यह है कि बाड़मेर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, यानी कि 73.68%। बिल्कुल, और टोंक सवाईमाधोपुर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 56% मतदान हुआ। अजमेर सीट पर 59.22% मतदान हुआ है। वहीं बांसवाड़ा सीट की अगर हम बात कर ले तो 72.24% मतदान हुआ है। हर एक सीट का आपको आंकड़ा दे रहे हैं। भिलवाड़ा का देखिए, भिलवाड़ा सीट पर 60.10% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ पर 67.83%। और अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 63.30% मतदान हुआ। कोटा सीट पर अच्छा खासा मतदान देखने को मिला, यानी कि 70% से ज्यादा, 70.82%। पाली सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है, 56.80% के आसपास ही मतदान हुआ। राजसमंद में 58.01% मतदान हुआ। बिल्कुल, और टोंक सवाईमाधोपुर की अगर हम बात कर ले तो इस सीट पर 56% मतदान हुआ है। झालावाड़ 12 सीट की बात कर ले तो 68.72% मतदान हुआ। जोधपुर सीट पर 63.30% मतदान हुआ है। तो ये हम आपको हर एक सीट के बारे में बता रहे हैं कि कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ। कई जगहों पर मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत घटा भी है। दिलचस्प बात यह है कि बाड़मेर वो जगह जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा था और जबरदस्त फाइट देखने को मिली थी निर्दलीय उम्मीदवार के चुनावी मैदान में आने की वजह से, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। और बाड़मेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पूर्व विधायक अमीन खान कांग्रेस से निष्कासित किए गए। आपको बता दें कि 6 साल के लिए अमीन खान को पार्टी से निकाला गया है। तो कांग्रेस से निष्कासित प्रत्याशी को दरअसल अमीन खान की तरफ से समर्थन दिया गया था और ऐसे में अब ये एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। पूर्व विधायक अमीन खान को कांग्रेस ने निष्कासित 6 साल के लिए कर दिया है, यानी 6 साल के लिए अमीन खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें कि वजह क्या रही, वजह रही कांग्रेस से निष्कासित प्रत्याशी को अमीन खान ने खुलेआम समर्थन दिया था, यही वजह रही, पार्टी नाराज हुई और अब ये बड़ा एक्शन अमीन खान के खिलाफ, पूर्व विधायक अमीन खान कांग्रेस से निष्कासित हो गए। दूसरे चरण के खत्म होते ही 13 सीटों पर किस्मत आजमा रहे दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बिल्कुल, और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन निगाहें उन हॉट सीट्स पर है जो शुरुआत से ही चर्चा में थी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में खत्म हुआ चुनावी शोर, ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। प्रदेश की हॉट सीट पर सबकी निगाहें। लोकसभा के दूसरे चरण में प्रदेश की बाकी बची सभी 13 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद है। अब इंतजार होगा 4 जून का, लेकिन उससे पहले प्रदेश की हॉट सीटों पर सबकी निगाह रहेंगी। दूसरे चरण में टोंक सवाईमाधोपुर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ 12 और कोटा बूंदी में मतदान हुआ, लेकिन इन 13 सीटों में 8 सीटें बेहद खास, जहां कई दिग्गजों की किस्मत पर दाव लगा है। सबसे पहली सीट है कोटा बूंदी, जहां ओम बिरला लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में। कोटा में उन्होंने मतदान भी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट सबसे हॉट बनी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का दामन थाम कर इस मुकाबले को रोचक बना दिया। कोटा में ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ। दूसरे चरण में जोधपुर में मतदान हुआ, जहाँ से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में। यहां से वो दो बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा के साथ है। हॉट सीट की फहरिस्त में बाड़मेर सीट भी शामिल है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है क्योंकि इस सीट पर कैलाश चौधरी दूसरी बार मैदान में थे, जबकि कांग्रेस से उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबले को रोचक बना दिया। उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की मेरी जनता पे, छत्तीस कौम के लोगों पे, वो अपने बेटे अपने भाई पे विश्वास जताएंगे और निश्चित तौर पे 4 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन बनेगा। तीसरी हॉट सीट है चित्तौड़गढ़, जहां से तीसरी बार सीपी जोशी मैदान में। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल अंजना के साथ है। हाल ही वे 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। अंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि जनता ने एक बार फिर से सीपी जोशी पर भरोसा जताया या फिर उदयलाल अंजना को मौका दिया। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई उनमें भीलवाड़ा की हॉट सीट भी शामिल, जहां से कांग्रेस से सीपी जोशी मैदान में थे। भीलवाड़ा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से था। सीपी जोशी विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव हार गए थे लेकिन 2009 में भीलवाड़ा सीट से सांसद चुने गए। अब देखना होगा कि जनता इस बार क्या फैसला लेगी। बांसवाड़ा सीट भी उन हॉट सीटों में से एक है जहां मुकाबला रोचक। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को मुसीबत में डाला। बीजेपी के टिकट पर बांसवाड़ा से मैदान में है वो। मुकाबला त्रिकोणी है, यहां बीएपी के राजकुमार रोत मैदान में है जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर के नामांकन वापस न लेने के चलते इस सीट पर भी त्रिकोणी मुकाबला है। जालौर की बात करें तो इस सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वैभव गहलोत ने पहला चुनाव जोधपुर से लड़ा था लेकिन जीत नहीं सके। जालौर में वैभव गहलोत का मुकाबला लुम्बाराम चौधरी से है। झालावाड़ बारा प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में है। 4 बार से इस सीट पर दुष्यंत सिंह का कब्जा है। बहरहाल जनता ने जो फैसला किया है वो ईवीएम में कैद हो चुका है जो 4 जून को सार्वजनिक होगा। लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की साख दूसरे चरण के रण में दांव पर लगी है, जबकि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि आखिर जनता ने क्या फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी 2019 के मुकाबले करीब 6% वोटिंग कम हुई है। तो एक सवाल तो यह है कि क्या कहता है दूसरे चरण का वोटिंग पैटर्न। दूसरा सवाल यह कि आगे के चुनावी संग्राम के लिए पार्टी की तैयारी कैसी है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है और अभी 5 चरण बाकी है। तीसरा सवाल यह है कि पीएम मोदी इलेक्शन कैंपेन में जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास उसका जवाब मौजूद है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की, दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा, एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी, फैसला अब 4 जून को आएगा। दो चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है, मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और एक तिहाई सीटों पर जनता ने किसे किया है कुबूल
और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डे था। हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर है, इनमें केरल और कर्नाटक खास हैं। केरल में बीजेपी ने 10 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली तो जाहिर तौर पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है और कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 के शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन सिर्फ कागज पर है क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है और यहां वोटिंग का परसेंट भी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तमाम एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कि ज्यादा मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है और बहुत कम मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है, लिहाजा दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज देखने से पहले पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। ২০১৪ के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी, 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ था और 2024 में 61% मतदान हुआ। 88 सीटों पर हुए मतदान का अगले चरण पर क्या असर होता है फिलहाल ये बताना असंभव है। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा, लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है।
2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और एसएमएस हॉस्पिटल के एओ गौरव सिंह, गिरिराज सिंह और कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एसीबी ने 70,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और कमिश्नरेट पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। लगातार इस मामले की जांच तेज हो रही है। अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में अब जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। कौन कौन है ये? एसएमएस हॉस्पिटल के एएओ गौरव सिंह, गिरिराज सिंह, कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह जो गिरफ्तार हुए थे उनको प्रोडक्शन वारंट पर एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों पहले एसीबी ने 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की थी। कमिश्नरेट पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अब इससे आगे किस तरह के खुलासा हो उसको लेकर पूछताछ चल रही है। और चले रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की।